नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। कहते हैं ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जी हाँ, यह मैं नहीं कह रहा, आप खुद इस तस्वीर और इस वीडियो को देखकर खुद ही कहेंगे कि हाँ, यह झूठ नहीं है। आपको यह कहने पर मजबूर कर देगा कि यह नरक में कैसे रहते हैं आखिर लोग। दरअसल राजधानी रांची के वार्ड 32 के पंडरा इलाका विजय पथ मोहल्ला नरक में तब्दील हो गया है। यहाँ सालों भर नाली का पानी सड़क पर जमा रहता है। बारिश के दिनों में हाल बेहाल है, कई घरों में बारिश का पानी घुस जाता है। मोहल्ले के लोगों को घर से निकलना हो तो इसी नाली के पानी से घुसकर पार करना पड़ता है। बोरिंग का पानी तक दूषित हो गया है, कई तरह की बीमारियां फैल रही है, स्थिति नारकीय है। कहने को तो यह रिहायशी मोहल्ला है, आप तस्वीरों में देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आपको नजर आएंगे, मगर पानी निकासी का जगह नहीं होने की वजह से मोहल्ले में सालों भर नाली का गंदा पानी सड़क पर जमा रहता है। हालत ऐसी है कि जिनके पास आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, उन लोगों को इसी नाली के पानी में घुसकर आना जाना पड़ता है। देखिए कैसे यह महिला अपने दो बच्चों को गोद में लेकर कपड़ा उठाया नाली के गंदे पानी से होकर गुजर रही है। महिला के इस परेशानी का अंदाजा सहसा ही लगाया जा सकता है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद, विधायक और पार्षद आते तो जरूर हैं, मगर केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। पिछले 40 साल से मोहल्ले का यही हाल है, बारिश के दिनों में यहाँ जीना मुहाल हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वहाँ के स्थानीय लोगों का, यह देखिए। यह है कि यही इतना गंदगी है कि हम लोग जीना मुश्किल है यहाँ, और कई तरह की बीमारियों मैंने हम लोग रोज दौड़ रहे हैं तीन हॉस्पिटल हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं रोज। बच्चा सब बीमार है, हम लोग बीमार है, सब घर घर में इधर बीमार है, आने जाने में बीमारी है, देख रहे हैं कैसे आ रहे जा रहे हैं। वही जगह यहाँ सुविधा नहीं ना है, सुविधा करना बहुत जरूरी है। तो पार्षद क्या बोल रहे हैं आपके? पार्षद क्या बोलेंगे, रोज बोलते हैं हाँ, हाँ, बना देंगे, करते करते मने 20 साल हो गए, हम लोग घर मकान छोड़ दें, कुछ नहीं हो रहा है। अल्लाह का जो है ना पूरा एंट्रेंस जो निकलने का पीछे से, सबसे बड़ा समस्या यहीं पे हो रहा है कि बहुत पानी जम जा रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी मतलब ये है, और बहुत परेशानी हो रहा है सबको। बीमारी भी इसमें जो है ना फैलने का बहुत मतलब कि होते रहता है, बीमारी भी आदमी को होते ही रहता है, फैलने का बात है मतलब बीमारी बढ़ते ही रहता है। समस्या को कब हम लोग का ये होगा तो बोला नहीं जा सकता, अरे बहुत भारी समस्या हम लोग का, पानी यहाँ रोड जम जा रहा है, बहुत परेशानी है, दिकदारी बहुत है, पूरा मोहल्ला वासियों को पूरा पीछे पंडरा बस्ती तक जो है से यहाँ निकासी है, यहाँ पे आदमी गिर जा रहा है, पड़ जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है, किसी की गाड़ी फंस जा रहा है, यही सब परेशानी है। इसको जितना जल्दी है इसकी समस्या का समाधान किया जाए। नाम बताइए। राजेश कुमार साहू। पानी जम रहा, सब गंदगी वाला नाली का निकासी छोड़ा हुआ था, अब छोड़ा हुआ का की जगह उसको तो बंद कर दिया, खेती सब बंद हो गया। बहुत दिन से परेशानी है, इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? प्रयास तो यहाँ के लोग करेगा, हम तो सारा प्रयास कर लिए, प्रयास से यहाँ कोई सा रास्ता निकले नहीं कर रहा। नाली हम लोग छोड़वाए थे 2.5-3 फीट का, यहाँ उसको रजिस्ट करा लिया है बाद में 2010-11 में, और 30 वर्षों से इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। इतने विधायक कई बार चुने गए, सांसद चुने गए, लेकिन कोई उपाय नहीं निकल रहा। अब हम लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि किसी दिन हम लोग सड़क जाम करें, उस तरह का कदम हम लोग उठाएं ताकि पूरा प्रशासन आए और देखे, यही कहना है। अगर आपसे मन पड़ता है तो कुछ करिए हम लोग के लिए। सब जगह आश्वासन केवल मिल रहा है, केवल आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। बताइए। ये समस्या जो है 30 वर्षों से हम लोग भोग रहे हैं, ये नरक का स्थिति बना हुआ है, पानी का जमाव लगा रहता है हमेशा, बाल बच्चे के लिए तकलीफ होती है, आने जाने में बहुत सारी समस्याएं, और अभी मोहल्ले में आज विधायक महोदय भी आए, सांसद महोदय भी आए, लेकिन नगर निगम का डिप्टी मेयर भी आए, लेकिन इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। जो हम समस्या से झूल रहे हैं वो झूल ही रहे हैं, और यहाँ कभी भी विकराल
रोग का बीमारियों का ये जड़ बना हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है। और हर एक घर में कुछ न कुछ बीमारी है। यहाँ जल बोरिंग का पानी भी खराब हो गया, पीने लायक नहीं है। हम लोग वो मिनरल वाटर जाके दूसरे जगह से डब्बा में करके लाते हैं। ये हमारी समस्या है। नाम बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार है।